नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर शिवम एकेडमी में। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम डॉक्टर शिवम है और मैं मेडिकल रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। गाइस, इसकी पिछली वीडियो जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको डिस्केसिया के बारे में बताया था, उसके मेजर कॉजेस के बारे में बताया था। तो गाइस, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्केसिया स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरी पार्ट वन यानी कि वो कॉजेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाके उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये वीडियो ट्रीटमेंट के ऊपर समझ में आ सके। गाइस, कॉमन सेंस की बात है, जब तक आपको मेन कॉज कोई भी बीमारी का रूट कॉज नहीं पता होगा, आप कोई भी टैबलेट ले लीजिए, कुछ भी ट्रीटमेंट ले लीजिए, असर नहीं होगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको रूट कॉज पता हो, क्योंकि जब रूट कॉज पता होता है तो ट्रीटमेंट इजी हो जाती है, क्योंकि आप उस स्पेसिफिक कॉज पे टारगेट करते हो। तो गाइस, आप उस वीडियो को जरूर देखें, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आपको वीडियो ढूंढने में ज्यादा परेशानी ना हो। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो के ऊपर, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्केसिया के बारे में। तो गाइस, उस वीडियो को बिना स्किप किए या बिना फॉरवर्ड किए अंत तक जरूर देखें ताकि आपका जो टेस्ट सेंस है वो बहुत जल्दी वापिस आ जाए और आप अपने मनपसंद डिशेस को खा सकेंगे। तो गाइस, वीडियो के साथ बने रहे। डिस्केसिया, यस गाइस, डिस्केसिया, बहुत से लोग इस टर्म के बारे में जानते भी नहीं है। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में बताया, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके बताया कि When I went to a doctor and told कि मुझे पैरोस्मिया है, मुझे डिस्केसिया है, they were unaware about this disease. So guys, they gave them blank, you know, blindly they gave some gas medicines or vitamin tablets. तो ऐसा हो रहा है। तो guys, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जाने डिस्केसिया के बारे में। तो guys, डिस्केसिया जो है वो है alteration in your taste sense. यानी कि आपका जो taste sense है वो alter हो जाएगा, आपको एक अलग type की taste आएगी, समथिंग लाइक ऑनियन, प्याज या गार्लिक जैसी टेस्ट, या कुछ मेटालिक टेस्ट, या कुछ सड़ा हुआ खाने जैसा टेस्ट आएगा। जो अभी आप कुछ खाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की टेस्ट आएगी। तो गाइस, यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि डिस्केसिया ये जो है ये एक ऑल्ट्रेशन इन योर टेस्ट की वजह से, यानी कि डिस्केसिया इज रिलेटेड टू टेस्ट एंड टेस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर माउथ, यानी कि आपका जो टेस्ट है वो आपके माउथ से रिलेटेड है। सो डिस्केसिया का ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है आपके माउथ का जो ओरल हाइजीन है, आपका जो ओरल हाइजीन है उसे आप अच्छे से मेंटेन करें, क्योंकि अगर आपका ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है तो इट्स ऑब्वियस कि आपको डिस्केसिया हो सकता है। COVID-19 डिसीज या जो कोरोना वायरस हमारे देश में आया था, इसके वजह से जो लॉकडाउन हुआ था, इसके वजह से बहुत कम लोग, hardly anyone went to a dentist, क्योंकि बहुत से dental clinics भी बंद हो गए थे, तो very few, बहुत कम लोगों ने अपने dentist को visit किया था, अपने oral hygiene का जो maintenance है उसका treatment या checkup कराया था। तो ऐसे में इस lockdown और इस corona virus के situation में आप अपने oral hygiene को कैसे maintain कर सकते हैं? तो guys, बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि मैं तो 2 times brush करता हूँ, I brush my teeth twice daily, 2 times ब्रश करता हूं। तो उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि गाइस, 2 times ब्रश करना एंड 1 time ब्रश करना, मगर अच्छे से ब्रश करना, इनमें बहुत डिफरेंस है। आप भले 2 times ब्रश कीजिए एंड यू जस्ट ब्रश लाइक दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प, 1 time कीजिए पर अच्छे से कीजिए तो ये बहुत ज्यादा हेल्प होगा आपको। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ 1 बार ब्रश कीजिए, गाइस 2 बार ब्रश करना बहुत जरूरी है, 1 बार सुबह में, 1 बार शाम में, लेकिन ब्रशिंग के साथ साथ और भी फैक्टर्स है जिसके वजह से आपका जो ओरल हाइजीन है उसका जो मेंटेनेंस है वो पूर हो जाता है, जैसे कि द टूथ ब्रश यू यूज, या टूथपेस्ट जो आप यूज कर रहे हैं, या टूथब्रश टूथपेस्ट के बाद आर यू फ्लॉसिंग, आर यू यूजिंग अ माउथ वॉश। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स है जिन्हें आपको ध्यान देना है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो गाइस, फर्स्टली, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था एंड उस समय जो आप टूथब्रश को यूज कर रहे थे, अगर आप वही टूथब्रश को अभी भी यूज करते हो तो गाइस, इमीडिएटली उसको फेंक दीजिए एंड एक नया टूथब्रश आज ही लेके आइए, क्योंकि
कोविड के टाइम पे यूज किया गया टूथब्रश, ऑब्वियस बात है कि वो इन्फेक्टेड होगा, एंड अगर आप अभी भी यूज करें तो इट इज गोइंग टू हैव एन इफेक्ट ऑन योर हेल्थ. सो उस ब्रश को आप इमीडिएटली फेंक दीजिए. एंड देन नाउ द क्वेश्चन इज कौन सा टूथब्रश खरीदे. तो गाइस जब भी आप कोई टूथब्रश खरीदने जाए तो मेक श्योर कि आप जो ब्रश खरीदे उसके जो ब्रिजल्स होते हैं वो सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट हो, ताकि जो ब्रिसल्स है वो आपके डीप एरिया जो टीथ के बीच के जो एरियाज होते हैं उनको भी अच्छे से क्लीन कर सके. तो मेक श्योर कि आप सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल के ब्रशेस ले, हार्ड ब्रशेस ना ले, क्योंकि वो आपके टूथ के सरफेस जो एनामल सरफेस है उसको अब्रेड कर सकता है, उसको घिस सकता है. तो आप टूथब्रश लेने के टाइम पे सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश ले. एंड देन कमिंग टू टूथपेस्ट, कौन सा टूथपेस्ट यूज करें. तो गाइस आप कोई भी टूथपेस्ट यूज कीजिए, मेक श्योर कि आप उसमें चेक करें कि इट कंटेन्स फ्लोराइड. गाइस फ्लोराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज एंटी केरियस प्रॉपर्टी, यानी कि वो जो कैविटी होती है उसको प्रिवेंट कर सकता है, आपके माउथ में कैविटी होने से वो बचा सकता है. तो मेक श्योर आप कोई भी टूथपेस्ट यूज करें उसमें फ्लोराइड कंटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड देन बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ ब्रश करते हैं एंड देन दे गो ऑफ. गाइस ये गलत है बिकॉज आप खुद सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और अपने टंग को देखते हैं तो आप अपने टंग पे देख सकते हैं कुछ व्हाइटिश लेयर, राइट? तो गाइस वो बैक्टीरियल ग्रोथ है, यानी कि ये जरूरी है कि आप अपने टीथ के साथ साथ आप अपने टंग को भी क्लीन करें. तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको टंग स्क्रेप का यूज करना पड़ेगा. सो गाइस जब भी आप ब्रश कर लेते हैं अपने टीथ को, देन यूज अ टंग स्क्रेपर एंड स्क्रेप योर टंग. मेक श्योर कि आपका टंग जो हो वो क्लीन हो, उसके ऊपर कोई भी व्हाइटिश लेयर ना हो. तो गाइस आपने ब्रश कर लिया, आपने एक अच्छा टूथब्रश ले लिया है, टूथपेस्ट ले लिया, आपने ब्रश कर लिया, आपने टंग स्क्रेपर से अपने टंग को भी क्लीन कर लिया, देन व्हाट गाइस नेक्स्ट चीज जो आती है वो है अपने माउथ को कंप्लीटली क्लीन करना, बिकॉज ब्रश इज गोइंग टू क्लीन योर टीथ एंड टंग स्क्रेपर इज गोइंग टू क्लीन योर टंग. पूरा ओरल हाइजीन, पूरे माउथ को क्लीन कैसे करें, माउथ के अंदर के टिश्यूज जो हो गए या जो गम्स है उसको क्लीन करने के लिए क्या किया जाए. तो गाइस नेक्स्ट चीज जो आपको यूज करनी है वो है एक माउथ वॉश. सो माउथ वॉश आप एक एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश ले सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश ले सकते हैं, क्लोरहेक्सिडिन इज वन ऑफ द बेस्ट माउथ वॉश, आप वो यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर उसके वजह से आपको बैड टेस्ट की प्रॉब्लम, या कुछ लोगों को उसके वजह से भी बैड टेस्ट आता है, तो अगर ऐसा कोई केस है तो आप सॉल्ट वाटर गार्गलिंग कर सकते हैं. यस गाइस सॉल्ट वाटर गार्गलिंग. तो आपको क्या करना है, एक ग्लास में पानी लेना है, थोड़ा कुनकुना, ल्यूक वॉर्म, यानी कि वो ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए. ल्यूक वॉर्म वाटर में आप एक टीस्पून नमक डालिए एंड देन उससे आप कुल्ला कर सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव. ये आपके ओरल हाइजीन को क्लीन रखेगा, जिससे आपके माउथ में कोई भी बैड टेस्ट या बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो. इसके बाद जो आपको दूसरी ट्रीटमेंट करनी है डिस्गेसिया के लिए वो है यूसेज ऑफ एप्पल साइडर विनेगर. यस गाइस एप्पल साइडर विनेगर को आपको यूज करना है, इससे भी आपका जो माउथ में मेटालिक टेस्ट है या जो खराब टेस्ट है वो ठीक हो जाएगा. सो गाइस ये कैसे करना है, गाइस ये जो एप्पल साइडर विनेगर है इससे आपके माउथ में जो एसिडिक एनवायरमेंट है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है, और इसके साथ साथ आपके माउथ में एक्सेस सलाइवेशन होता है. तो दिस इज हाउ इट कैन फ्लश योर मेटालिक टेस्ट, आपके माउथ में जो मेटालिक टेस्ट होगा उसको वो फ्लश कर देगा. तो इसे किसनी क्वांटिटी में यूज करना है, तो गाइस आपको 1 or 2 टेबल स्पून विनेगर लेना है एक हाफ ग्लास में, हाफ ग्लास वाटर में आपको वो 2 स्पून एप्पल साइडर विनेगर डालना है एंड देन उससे आपको माउथ को रिंस करना है. मेक श्योर यू डू दिस ट्वाइस और थ्राइस अ डे, यानी कि 2 से 3 बार आपको पर डे करना है. एंड जब आप इससे माउथ को रिंस करें तो फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स डू नॉट वॉश योर माउथ, यानी कि एप्पल साइडर विनेगर से माउथ को रिंस करने के बाद आप इमीडिएटली पानी से कुल्ला ना करें, वेट फॉर 15 to 20 मिनट्स. एंड देन गाइस अगर आपको गैस्ट्रिक एसिड की प्रॉब्लम है, यानी कि आपको अचानक से कुछ धकार सा आता है जिसमें आपको आपका माउथ कुछ खट्टा सा हो जाता है, कुछ खट्टापन आता है आपके माउथ में, तो ऐसे में क्या किया जाए. तो गाइस ये एक रीजन है जिसके वजह से आपको बैड टेस्ट आ सकता है. तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्रीन टी पिए. यस गाइस ग्रीन टी, ग्रीन टी में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है, तो इट कैन रिड्यूस इन्फेक्शन, आपके माउथ में जो भी इन्फेक्शन होगा
उसे भी वो ठीक कर देगा, एज वेल एज आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको भी वो ठीक कर देगा। तो आप ग्रीन टी पिए, 2 से 3 बार पिए, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके लिए आप 1 टीस्पून ग्रीन लीव्स को बॉइलिंग वाटर में डाले, उसको मिक्स करें एंड छान के आप ग्रीन टी पिए, ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इससे भी आपका जो बैड टेस्ट का प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकता है। गाइस, नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत बेनिफिशियल है, एंड इट्स एन एंशियंट ट्रीटमेंट। यस गाइस, एंशियंट ट्रीटमेंट, इट इज ऑयल पुलिंग। डोंट गो विद द नेम ऑयल पुलिंग, ये नहीं है कि आपको ऑयल को पुल करना है। इंस्टेड इट्स अ मेथड जहां पे आपको ऑयल लेना है, स्पेशली कोकोनट ऑयल, ये कोकोनट ऑयल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आपको एटलीस्ट 3 to 4 टीस्पून कोकोनट की ऑयल लेनी है, एंड देन आपको अपने माउथ में रख के उसको रिंस करना है, आपके पूरे कंप्लीट ओरल टिश्यूज, आपके टीथ, गम्स, जो भी ओरल टिश्यूज है उसको, उस पे वो ऑयल जाना चाहिए। तो इससे बेनिफिट क्या है कि ये ऑयल पुलिंग टेक्निक से आपके माउथ में जितने भी टॉक्सिन्स होंगे वो निकल जाएंगे। एंड देन गाइस, ये चीज बहुत ध्यान देना है कि वो जो ऑयल होगा जो आपके माउथ में आप लेते हैं उसको आपको निगलना नहीं है, बिकॉज जब आप इस कोकोनट ऑयल को माउथ में रख के रिंस करते हैं तो जो टॉक्सिन्स निकलता है दैट गेट्स मिक्स्ड विद ऑयल। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको स्वेलो ना करें, एंड ये आपको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट्स तक करना है। यस गाइस, 10 से 15 मिनट्स तक करना है, एंड देन आप उसको स्पिट कर दीजिए। यस गाइस, आपको स्पिट करना है, आपको निगलना नहीं है। आई होप आपको ये ऑयल पुलिंग समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं स्पेशली ऑयल पुलिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। गाइस, बहुत सिंपल है, आपको ऑयल लेना है 2 to 3 टीस्पून, आपको माउथ में रखना है, एंड देन आपको ऐसे कुल्ला करना है, आपको पूरे ओरल सरफेसेस पे वो ऑयल टच होना चाहिए, जिससे कि जो भी टॉक्सिन्स आपके माउथ में होंगे वो ऑयल में मिक्स हो जाएंगे, एंड देन यू हैव टू स्पिट इट आउट आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके सिर्फ ये आपका बैड टेस्ट ही ठीक नहीं करेगा, इसके साथ साथ ये आपके ओरल टिश्यूज, जो भी गम्स हो गए, टिश्यूज हो गए, उसको नरिश कर देगा, उसको फूड प्रोवाइड करेगा, एंड साथ ही आपके जो टीथ्स है वो भी वाइट हो जाएंगे। तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, एंड इन दिस वे इट कैन यू नो हील द प्रॉब्लम ऑफ बैड टेस्ट, क्योंकि जब आपके टिश्यूज को, ओरल टिश्यूज को नरिशमेंट मिलेगा, नर्व्स नरिश होंगे, सो इट विल हेल्प यू इन गेटिंग योर नेचुरल टेस्ट, आपका जो नॉर्मल टेस्ट है वो आ जाएगा। गाइज, ये ऑयल पुलिंग आपको दिन में 2 बार करना है, एंड मेक श्योर कि यू डू इट बिफोर फूड, आपको खाने से पहले करना है। जब भी आप टूथब्रश ब्रशिंग कर ले, माउथ वॉश कर ले, उसके बाद आप ये ऑयल पुलिंग कीजिए। ऑयल पुलिंग करने के बाद हाफ एन आवर के बाद, 30 मिनट्स के बाद आप ल्यूक वॉर्म वाटर या सॉल्ट वाटर लेके आप अपने माउथ को क्लीन करे, गार्गल करे, ताकि वो जो ऑयली जो फील होगा आपको वो हट जाएगा, एंड उसके हाफ एन आवर के बाद ही आप ब्रेकफास्ट करें। सो गाइस, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड, इट्स एन एंशियंट वेरी इफेक्टिव मेथड ऑयल पुलिंग। इसके ऊपर भी मैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो स्पेशली ऑयल पुलिंग के ऊपर भी एक वीडियो जरूर बना दूंगा। गाइस, नेक्स्ट चीज जो है वो है डिस्केसिया बिकॉज ऑफ पैरोसमिया। यस गाइस, डिस्केसिया कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अगर आपका जो पैरोसमिया का प्रॉब्लम है, जो है ऑल्ट्रेशन इन योर स्मेल, आपको गंदी स्मेल आती है, केमिकल की स्मेल, या प्याज या सड़े हुए ब्रेड के जैसे जो स्मेल आती है पैरोसमिया के वजह, सो इसकी वजह से भी डिस्केसिया हो सकता है। अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग पैरोसमिया है फॉर अबाउट 6 मंथ्स 8 मंथ्स, सो इसके वजह से भी आपको डिस्केसिया हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना है, तो आपको डिस्केसिया के ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको पैरोसमिया की भी ट्रीटमेंट करते रहना है। गाइस, पैरोसमिया के ट्रीटमेंट के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल्ड इफेक्टिव स्टेप्स वाली एक वीडियो बनाई है। गाइस, उस वीडियो को आप जरूर देखें, एंड गाइस वी हैव गॉट सक्सेसफुल रिजल्ट्स फ्रॉम दो स्टेप्स। तो अगर आपको पैरोसमिया है डिस्केसिया के साथ साथ, तो मेक श्योर कि यू डू दैट ट्रीटमेंट, एंड गाइस इफ यू डू इट सिंसियरली, अगर आप उस चीज को सिंसियरली करते हैं, तो विद इन अ वीक और टू यू विल गेट बैक योर स्मेल सेंस, एंड देन आप जब डिस्केसिया के ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो आपका टेस्ट भी बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। गाइस, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डू नॉट बी इन अ हरी, हैव सम पेशेंस, क्योंकि नर्व जनरेशन यूजली टेक्स अबाउट 6 मंथ्स। यस गाइस, 6 मंथ्स ये इसका नॉर्मल प्रोसेस है,
बट बाय डूइंग सम बायोलॉजिकल चेंजेस, जैसे हम कुछ ट्रीटमेंट लेके हम उस ड्यूरेशन को रिड्यूस कर रहे हैं, हम जो रीजनरेशन की स्पीड है उसको एक्सिलरेट कर रहे हैं. सो डोंट थिंक कि आप एक दिन दो दिन करेंगे तो आपका स्मेल कंप्लीटली आ जाएगा, तो नहीं गाइस, इट विल टेक टाइम. आपको धीरे धीरे चेंजेस दिखेंगे लेकिन कंप्लीट रिकवरी में इट विल स्टिल टेक टाइम. एंड यस गाइस, इट इज नॉट परमानेंट. डिस्गेसिया हो या पेरोस्मिया हो, इट इज नॉट परमानेंट. ये ठीक हो जाएगा. नर्व इश्यूज आर फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल गेट बैक योर स्मेल एज वेल एज टेस्ट. सो गाइस, पेरोस्मिया की उस वीडियो को आप जरूर देखें एंड सिंसियरली फॉलो करें. मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आपको वीडियो ढूंढने में ज्यादा परेशानी ना हो. एंड गाइस, आज से, अभी से, इस वीडियो को देखने के बाद से ही आप बोथ पेरोस्मिया की एंड डिस्गेसिया की ट्रीटमेंट शुरू कर दे ताकि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिल जाए. गाइस, बहुत से डॉक्टर्स के पास गए होंगे, बहुत से लोगों को कंसल्ट किया होगा, अभी तक ठीक नहीं हुआ है, राइट? सो कंसल्ट मत कीजिए, फॉरगेट एवरीथिंग, फॉलो द स्टेप्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. गाइस, वी हैव गिवन सो मेनी रिजल्ट, सो मेनी पीपल हैव गॉट द स्मेल एंड टेस्ट बैक एंड सो विल यू. सो गाइस, उस चीजों को फॉलो कीजिए, सिंसियरली कीजिए, बोथ आपका टेस्ट एंड स्मेल वापस आ जाएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपको डायबिटीज है या कोई भी किडनी डिसऑर्डर है या अगर आप डायलिसिस पे है, तो गाइस मेक श्योर कि आपका जो शुगर लेवल है या जो किडनी के जो नॉर्मल वैल्यूज है, क्रिएटिन वैल्यूज, वो सब वैल्यूज मेंटेन रहे, वो नॉर्मल पे रहे. क्योंकि गाइस, अगर आप डायबिटीज पेशेंट ले लेते हैं तो क्योंकि उनके बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उनका जो कंप्लीट माउथ का जो टेस्ट होगा वो बहुत ज्यादा शुगरी होगा, स्वीट होगा. कुछ लोगों में किडनी डिसीजेस में, डायलिसिस में, यू कैन फील सम बिटर टेस्ट, स्वीट टेस्ट, ऐसे अलग अलग टेस्ट आएंगे तो आपको एक्चुअल फूड का टेस्ट नहीं आता है. सो गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नॉर्मल वैल्यूज को मेंटेन करें. अगर वो ज्यादा हाई हो रहा है या कम हो रहा है तो मेक श्योर कि आप इमिडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें एंड ट्रीटमेंट ले. मेक श्योर कि आप उनके जो रेगुलर मेडिसिन है, चाहे वो डायबिटीज के हो या किडनी डिसीज के हो, उन मेडिसिन को आप रेगुलर लेते रहे, उन्हें आप स्टॉप नहीं करें. एंड देन गाइस, नेक्स्ट चीज जो है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, गाइस यू ऑल नो कि स्मोकिंग सिर्फ आपके जो ओरल जो नर्व्स है, जो टिश्यूज है, उनको सिर्फ डिसेंसिटाइज ही नहीं करता है लेकिन वो आपके लंग्स को भी डैमेज करता है. इतने सारे स्मोकिंग सिगरेट के पैकेट्स पे भी लिखा है कि इट कॉजेस लंग कैंसर. सो गाइस, इट हैज मेनी प्रॉब्लम्स, स्मोकिंग के वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं. तो गाइस, रिक्वेस्ट है कि आप स्मोकिंग बंद कर दें. इट्स आई नो बहुत डिफिकल्ट है कि आप इमिडिएटली स्मोकिंग बंद नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट ट्राई टू कट डाउन. अगर आप दिन में 10 सिगरेट स्मोक करते हैं तो ट्राई टू रिड्यूस टू 5 एटलीस्ट एंड देन 5 से 2. दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस योर स्मोकिंग. सो गाइस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्मोकिंग बंद करें. अगर आप टोबैको यूज करते हैं तो आप टोबैको भी खाना बंद करें. इन सभी चीजों के वजह से आपको ओरल कैंसर, लंग कैंसर, ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है. गाइस, आप लोग जानकर भी ये गलती करते रहते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ना ही आप टोबैको यूज करें ना आप स्मोक करें. इनके वजह से आपको खुशी कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए मिल सकती है, बट आपको ये लाइफ टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. कितने ही लोग दे डाइड एट एन यंग एज ऑफ 20-22. व्हाई डू यू वांट टू डाई सो अर्ली? लाइफ आपको एक ही बार मिलती है, तो गाइस उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, एंजॉय कीजिए. डू नॉट गेट इन टू दीज बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, टोबैको या अल्कोहल, इन चीजों को आप ना करें. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया था वो था ड्राई माउथ. यस गाइस, जिसे हम जेरोस्टोमिया भी कहते हैं मेडिकल टर्म में. सो गाइस, अगर आपको ड्राई माउथ है, यानी कि अगर आपका माउथ सूख जाता है बहुत जल्दी, तो इट्स ऑब्वियस कि या तो वो सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर के वजह से है या फिर डिहाइड्रेशन के वजह से है. सो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं फॉर सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर. एंड देन गाइस, मेक श्योर कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए. क्योंकि गाइस, जब आपका माउथ ड्राई होता है ना, इसके वजह से सिर्फ आपको बैड टेस्ट ही नहीं, आपके माउथ में कैविटीज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. क्योंकि जब सलाइवा होता है तो वो फ्लश कर देता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, बट देन अगर ड्राई माउथ है तो कैविटी भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके टीथ पे. आप नोटिस कर सकते हो, अगर आपको ड्राई माउथ है तो आपके माउथ में बहुत से कैविटीज होंगे. सो गाइस, मेक श्योर यू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. आप एटलीस्ट 4 से 5 लीटर पानी हर दिन पिए.
सो इन दैट वे आप अपने आप को हाइड्रेट रखोगे, तो ये ड्राई माउथ का जो इश्यू है वो भी नहीं होगा, एंड अगर आपको उसके वजह से बैड टेस्ट का प्रॉब्लम है तो वो भी इमीडिएटली ठीक हो जाएगा. यस गाइस, ठीक हो जाएगा. तो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. एंड नेक्स्ट चीज है कि अगर आपको डिफिशियंसी है विटामिन बी की, आयरन की या जिंक की, स्पेशली विटामिन B12 की. यस गाइस, विटामिन B12 हेल्प्स इन नर्व रीजनरेशन. सो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज की डिफिशियंसी है तो उसको कवर अप करना जरूरी है गाइस, उसके सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है. और जब मैं सप्लीमेंट कहता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आप टैबलेट्स ही लें, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि विटामिन B12 की कौन सी टैबलेट लूं. तो गाइस, जरूरी नहीं है कि आपको टैबलेट ही लेना है सप्लीमेंट के तौर पे. आप नेचुरल चीजें भी यूज कर सकते हैं, लाइक फ्रूट्स है, सर्टेन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स है, ये सब है जिससे आपका जो B12, आयरन एंड जिंक के जो मात्रा आपकी बॉडी में होनी चाहिए वो कवर अप हो सकती है. तो जरूरी नहीं है कि आप टैबलेट्स ही ले. और अगर आपको स्पेसिफिकली टैबलेट्स लेना है तो गाइस, देयर आर मेनी सप्लीमेंट्स, यू कैन गो फॉर सप्लीमेंट्स एज वेल, बट मैं स्टिल रेकमेंड करूंगा कि आप नेचुरल वे ही चुने, उससे आपकी बॉडी को ज्यादा बेनिफिट होगा व्हेन कंपेयर टू टैबलेट्स. नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो आप ले सकते हैं वो है यूसेज ऑफ लेमन. यस गाइस, लेमन विल कॉज एक्सेस सलाइवेशन, इसके वजह से आपके माउथ में सलाइवेशन इंक्रीज हो जाएगा. यस गाइस, एंड दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग बैड टेस्ट, क्योंकि मोर सलाइवेशन विल फ्लश द बैड टेस्ट, जो भी मेटालिक टेस्ट होगा उसको फ्लश कर देगा. गाइस, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली एक लेमन के स्लाइस को कट करके अपने माउथ, अपने टंग के ऊपर रख के उसको सक कर सकते हैं फॉर 5 to 10 मिनट्स. ऐसे भी आप उसको यूज कर सकते हैं, और एल्स आप लेमन को निचोड़ के उसका जो जूस है उसको आप अपने माउथ में रख के उससे आप रिंस कर सकते हैं. उसको रिंस करके लीव योर माउथ एज इट इज फॉर 5 to 10 मिनट्स, एंड उसके बाद ही आप नॉर्मल पानी से कुल्ला करें. गाइस, इन दिस वे जब आपके माउथ में लेमन होगा, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या फिर आप डायरेक्टली लेमन को रखते हो मुंह में, तो इससे सलाइवेशन इंक्रीज होगा. यस गाइस, जब आपके माउथ में सलाइवेशन होता है तो ये बहुत हेल्प होता है. ये नेचुरल तरीका हो गया. अगर आप मेडिसिन पे जाना चाहते तो देर आर एंटी सियालोक्स. यस गाइस, एंटी सियालोक्स ये वो टैबलेट्स है जो आप जब टंग पे रखते हो तो इट विल कॉज एक्सेस सलाइवेशन. ये सलाइवेशन को कॉज करता है. इवन अगर आपको ड्राई माउथ है तो भी आप एंटी सियालोक का यूज कर सकते हैं. जीरोस्टोमिया में आप एंटी सियालोक्स यूज कर सकते हैं, इससे एक्सेस सलाइवेशन होगा. इसके बहुत बेनिफिट्स है. एक तो अगर आपका माउथ ड्राई है तो गाइस आपको खाने में डिफिकल्टी होने वाली है. आप कुछ भी खाइएगा तो वो स्वैलो करने में डिफिकल्टी होगी, उसके वजह से कैविटीज हो सकती है, बैड टेस्ट आ सकता है, आपके मुंह से बैड स्मेल आ सकता है. तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी. या तो आप लेमन यूज कीजिए, आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए, या आप एंटी सियालोक्स यूज कीजिए. यस गाइस, एंटी सियालोक आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इससे एक्सेस सलाइवेशन होगा. और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डिसकेसिया कैन ऑल्सो बी ड्यू टू द साइड इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन ड्रग्स एंड मेडिसिन. यस गाइस, कुछ ड्रग्स मेडिसिन की वजह से भी आपको डिसकेसिया हो सकता है. तो अगर आप इस चीज को रियलाइज करते कि आपका जो टैबलेट है वो बहुत ज्यादा कड़वा है, और उस कड़वेपन के वजह से जब भी आप कुछ खाना खाते हो तो आपको वो कड़वा टेस्ट आता है, तो गाइस आप इमिडिएटली अपने उस डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए एंड आस्क हिम टू चेंज द मेडिसिन. गाइस, वी ऑलवेज हैव एन ऑल्टरनेटिव. तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, यू कैन आस्क हिम कि वो आपके मेडिसिन को चेंज करे, जिससे आपको जो कड़वापन है वो बैड टेस्ट है वो नहीं आएगा. इसके अलावा डिसगेसिया के ट्रीटमेंट में आप पेपरमेंट लीव या सिनेमन, जिसे हम दालचीनी कहते हैं हिंदी में, जो वेजिटेबल्स में यूज करते हैं टेस्ट के लिए, सो गाइस आप इन चीजों का भी यूज कर सकते हैं. आपको सिंपली क्या करना है, आप पेपरमिंट लीफ लीजिए, बॉइलिंग वाटर में डालिए, एंड देन उसको आप 2 to 3 times पी सकते हो. सिमिलरली सिनेमन जो है दालचीनी, उसका भी आप चाय बना सकते हो, नॉट विद टी लीव्स. आप बॉइलिंग वाटर में आप सिनेमन डालिए एंड देन उसको बॉयल होने दीजिए अच्छे से, एंड देन आप उसको भी 2 to 3 times पी सकते हैं. दिस विल ऑल्सो हेल्प यू गेट बैक योर टेस्ट. सो गाइज, देर आर एब्सोल्युटली मेनी ट्रीटमेंट्स. गाइज, मैंने बहुत रिसर्च किया है इससे पहले कि मैं आपको ट्रीटमेंट बता सकूं डिसगेसिया का. एंड गाइज, अगर आपको बहुत ज्यादा मेटालिक टेस्ट आ रहा है, आपके माउथ में मेटालिक टेस्ट आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं मेटल के, उनको अवॉइड करके आप खाना जो खाते हो प्लास्टिक वेजल्स में खाइए, प्लास्टिक प्लेट्स में खाइए खाना,
तो इससे भी आपका जो मेटालिक टेस्ट है, जो एग्रीवेट हो रहा है मेटालिक टेस्ट, वो भी रिड्यूस हो जाएगा. सो दिस इज अगेन अ बेस्ट सॉल्यूशन हाउ यू कैन प्रिवेंट गेटिंग अ बैड टेस्ट. तो गाइस मैंने पूरा रिसर्च किया है, इट टुक मी अबाउट 10-15 डेज, उससे भी ज्यादा लग गया. ऑल दो मेरे घर पे आई हैड सर्टन प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, माई ब्रदर मेट विद एन एक्सीडेंट, बट स्टिल आई डिड माई वर्क, आई हैव डन ऑल द रिसर्च एंड हियर इज द ट्रीटमेंट इन फ्रंट ऑफ यू. सो गाइस आप इन चीजों को फॉलो कीजिए. मैंने बताया था कि पहले कॉज जानिए आपको किस रीजन की वजह से डिस्केसिया है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट कीजिए. तो मैंने ट्रीटमेंट आपको बता दिया है, नाउ इट्स योर टर्न टू प्रैक्टिस. क्योंकि एज अ डॉक्टर आई कैन टेल यू द ट्रीटमेंट, बट आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपका जो टेस्ट है वो ठीक होगा. एंड सिमिलरली पैरोस्मिया के जो स्टेप्स है उसको भी आप रेगुलरली फॉलो कीजिएगा, तभी आपका स्मेल भी वापस आएगा. आई विल नॉट से कि एक हफ्ते में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा या 2 हफ्ते में आ जाएगा. गाइस नर्व जनरेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, बट आपको जो इनिशियल ब्रेक, जो बोलते हैं इनिशियल स्मेल एंड टेस्ट, वो आ जाएगा विद इन अ वीक. यस गाइस विद इन अ वीक आप अपने मनपसंद डिशेस को खा सकेंगे. यू विल नॉट एक्सपीरियंस दैट बैड टेस्ट, मेटालिक टेस्ट या ऑनियन गार्लिक का जो टेस्ट है वो आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे. कुछ ही दिनों में, 3 से 5 दिन में ही आपका जो स्मेल एंड टेस्ट है वो धीरे धीरे आने लगेगा और अपने मनपसंद खाना खा सकोगे. यस गाइस आई होप आपको डिस्केसिया की सभी ट्रीटमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी. गाइस बहुत से लोग हैं जो दे डोंट सी द होल वीडियो एंड वो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन पे मुझे सेम चीज को रिपीट करने के लिए बोलते हैं. गाइस आई हैव नो प्रॉब्लम इन रिपीटिंग, बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप पहले वीडियो तो देखो. जब वीडियो को देखोगे, समझोगे, तब आस्क मी क्वेश्चन, तो आपको भी चीजें समझ में आएगी जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. आई होप आपको वीडियो पसंद आया. गाइस अगर आपने कॉजेस वाली वीडियो नहीं देखी, आई एम स्टिल रिपीटिंग, अगर आपने कॉजेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू नो द रूट कॉज, ट्रीटमेंट इज नॉट इफेक्टिव. यस गाइस आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, एंड आई होप कि आपका जो टेस्ट है, स्मेल है, वो बहुत जल्दी वापस आ जाए. यस गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा. अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एज वेल एज यू हैव द लिबर्टी टू कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो कोई भी डाउट. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, चाहे वो कोविड के ऊपर हो, कोविड वैक्सीन के ऊपर हो, पैरोस्मिया, डिस्गेसिया या कोई भी चीज के ऊपर हो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. यस गाइस इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल डॉक्टर शिवम्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए. गाइस आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी सभी वीडियो, जो भी अपकमिंग वीडियोस होगी, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ताकि आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वाले वीडियोस देख सकेंगे. तो गाइस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए. गाइस कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए क्योंकि थर्ड वेव आ सकता है. हैंड वॉश, सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, ये सब चीजों को फॉलो करते रहिए. यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू कम इन फ्यूचर, नो वन प्रेडिक्टेड द डिजीज. किसी ने कोरोना वायरस को प्रेडिक्ट नहीं किया था, ना फर्स्ट वेव, ना सेकेंड वेव, ना ही थर्ड वेव, बट स्टिल इट्स गुड टू बी सेफ. तो आपको सेफ रहना है, सारे कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए. एंड गाइस जो भी ट्रीटमेंट मैंने बताया है, अगर आप उसे सिंसियरली प्रैक्टिस करते हो, आई अश्योर यू कि आपका स्मेल एंड टेस्ट दोनों बहुत जल्दी आ जाएगा, आप अपने मनपसंद खाने को खा सकोगे. थैंक यू गाइस, टेक केयर.